हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएसएस स्टाइलिंग इन रिएक्ट। तो हम किस तरीके से सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं रिएक्ट में और किस तरीके से सीएसएस को यूज़ करना है। ओके, हम कैसे यूज़ करें सीएसएस को रिएक्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस क्या होती है और इन सभी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो हम चलते हैं वीएस कोड पर और आप लोग देख सकते हो हम है अबाउट कंपोनेंट पर। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये सोर्स फोल्डर है, ठीक है। इस सोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास ये इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है, ठीक है। इंडेक्स डॉट सी एस एस मतलब सी एस एस देने के लिए हमने इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल है जो कि एक सेपरेट फाइल है सी एस एस के लिए, तो ये कहलाती है एक्सटर्नल सी एस एस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये कहलाता है हमारा एक्सटर्नल सी एस एस। क्यों एक्सटर्नल सी एस एस? क्योंकि एक सेपरेट फाइल है ये सी एस एस, एक सेपरेट फाइल है सी एस एस देने के लिए। तो इंडेक्स डॉट सी एस एस या आप कोई भी एक सी एस एस फाइल बनाते हैं कोई भी नेम से तो आपकी एक्सटर्नल सी एस एस कहलाती है, क्योंकि आपने एक सेपरेट फाइल बनाई है उसके लिए, ठीक है। और ये हमारा है अबाउट कंपोनेंट। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम सी एस एस को यहाँ पर लिखेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे रिएक्ट में, मतलब रिएक्ट में हम किस तरीके से सी एस एस को अप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम सी एस एस देने के लिए एक ड्यू ले लेते हैं, ठीक है, एक ड्यू जिस पर हम थोड़ी सी एस एस अप्लाई करें, ठीक है। और इस ड्यू के अंदर तो ये H1 को ही रख देंगे पहले तो यहाँ पर, और एक P टैग ले लेंगे जिसमें हम लिखेंगे कोड विथ सुफियान और शेख, हमने हमारे चैनल का नेम लिख दिया। और इस ड्यू के अंदर हम JSX एट्रीब्यूट लिखेंगे। यस, आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि JSX एट्रीब्यूट क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर भी आपको मिल रही होंगी, तो आप प्लीज़ चेकआउट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देने वाले हैं क्लास नेम, जैसे हम आईडी क्लास देते थे तो हम आईडी तो दे सकते हैं और बट यहाँ पर क्लास नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रिएक्ट के अंदर क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है तो हम क्लास का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्लास नेम लिखते हैं। और जेएसएक्स एट्रीब्यूट को लिखने का रूल है वो ये रूल है कि अगर दो वर्ड है तो सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो इसीलिए हमने क्लास नेम लिखा है। हम इसको लिख देते हैं बॉक्स, इसकी क्लास हमने लिख दी, सेव कर लेते हैं और सी एस एस फाइल पर जाएंगे। और जैसे हम सी एस एस देते थे वैसे ही देना है आपको बॉक्स, और बॉक्स की विड्थ दे देंगे हम कुछ 300 पिक्सल, हाइट दे देंगे 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देंगे पिंक, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 11 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन ऑटो दे देंगे ताकि इसे मार्जिन ऑटो मिलेगा और ये बॉक्स सेंटर में दिखेगा। तो हमने सेव कर लिया और ये अब हम इसको सेव कर लेंगे और आउटपुट पर देखेंगे तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। हम जैसा चाहते हैं कि हमें एक बॉक्स मिले जिसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सी एस एस तो दे दी बट हमने इसको सी एस एस को यूज़ नहीं किया, मतलब हमने इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं की सी एस एस, तो हमें सी एस एस दिखेगी कैसे? तो किस तरीके से अप्लाई करना है? तो जैसे हमें अबाउट जेस हमारा कॉम्पोनेंट इस पर अप्लाई करना है ये सी एस एस, तो आपको क्या लिखना है? सिंपली आपको लिखना है इम्पोर्ट इस तरीके से और इस इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल का नेम, ठीक है। तो आपको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर लिखना है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, एक फोल्डर के अंदर है ये, देन आपको लिखना है इंडेक्स डॉट सी एस एस इस तरीके से, ठीक है। अब आपको सेव कर लेना है और देखिए हम आउटपुट पर जाएंगे और रिफ्रेश कर लेते एक बार, तो आप लोग देख सकते हो हमें परफेक्टली हमारी जो सी एस एस है वो अप्लाई हो रही है, जिसमें देखिए हमारे पास है अबाउट कंपोनेंट और कोड विद सुफियान शेख लिखा रहा है। तो एक कम्प्लीटली हमारी सी एस एस अप्लाई हो रही है बहुत ईजीली। और आप लोग देख सकते हो कि इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली इम्पोर्ट करना है इस तरीके से, इम्पोर्ट लिखना है और उस फाइल का नेम लिख देना है और बीच में भी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और ये तो हो गया हमारी एक्सटर्नल सी एस एस। अब हम समझेंगे कि इंटरनल सी एस एस क्या होती है। अब इंटरनल सी एस एस क्या होती है बेसिकली, तो देखिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, मतलब कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको कमेंट किया, मतलब हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, अप्लाई नहीं कर रहे हमारे कॉम्पोनेंट पर, तो सी एस एस हमें दिखेगी नहीं। सेव कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, देखियो
तो अभी हमें CSS नहीं दिख रही क्योंकि हमने CSS पर अप्लाई ही नहीं की और हटा दिए। अब हम देखेंगे कि हम इंटरनल CSS क्या होती है और कैसे अप्लाई करते हैं इंटरनल CSS, ठीक है, और इनलाइन CSS क्या होती है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनलाइन CSS क्या होती है, ठीक है, इनलाइन CSS देख लेते हैं फिर इंटरनल देख लेंगे, दोनों सेम ही है। इनलाइन CSS वो होती है कि आप जिस टैग पर अप्लाई कर रहे हो CSS, मान लीजिए कि हमारे पास ये H1 टैग है और इस H1 टैग को अपन कलर देना चाहते हैं रेड, तो हम H1 टैग लेंगे फिर कलर देंगे, इस तरीके से हम करते थे index.css में। तो इनलाइन CSS वो होती है कि जिस फाइल में आपको जिस टैग को CSS देना है उसी में आप CSS लिख दीजिए, वो इनलाइन CSS कहलाता है। तो इनलाइन CSS कैसे देते हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना है स्टाइल, ये स्टाइल टैग होता है जो कि आपको लिखना ही है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली जो रिएक्ट है, रिएक्ट में आपको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होता है, ठीक है। अगर आप HTML में, आप लोगों ने इनलाइन CSS देखी होगी, तो जो HTML में हम इनलाइन CSS देते हैं वो डिफरेंट होती है, जो रिएक्ट में हम इनलाइन CSS देते हैं वो डिफरेंट होती है। HTML रिएक्ट के अंदर आपको इनलाइन CSS जब देंगे आप तो स्टाइल लिखना है, देन आपको कर्ली ब्रेसेस देना है, और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस तो देना ही देना है और जो सेकेंड कर्ली ब्रेसेस भी आपको देना है, ठीक है, मतलब आपको दो कर्ली ब्रेसेस देना है। दो कर्ली ब्रेसेस इसलिए कि हमने देखा था एक्सप्रेशन वाली वीडियो में कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखना है HTML के अंदर तो आपको एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है, तो उसी तरीके से हम एक कर्ली ब्रेसेस लेंगे और उसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस लेंगे। तो आपको ये बात याद रखना है कि आपको दो कर्ली ब्रेसेस लेने हैं। आई होप आपके बात क्लियर हो गई होंगी कि आपको दो कर्ली ब्रेसेस लेने हैं। देन आपको जो भी इस पर CSS अप्लाई करनी है आप वो अप्लाई कर सकते हो, जैसे हम इसको दे देते हैं कलर। कलर अब इसको देखिए आपको देना कैसे है, आपने कलर दिया, देन आपको ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर देना है। ऑब्जेक्ट में हम कैसे देते थे, की वैल्यू की तरह, तो ये आपका कलर हो गया की, देन आपको कॉलन देना है, देन डबल कोट्स में आपको लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो कलर का नाम, जैसे मैं लिखता हूँ रेड, सेव करेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे और आप लोग देख सकते हो CSS अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इनलाइन CSS दे सकते हो। इनलाइन CSS वो होती है कि आपको जिसमें जिस टैग में CSS अप्लाई करनी है उसी में आप CSS लिख दो, वो इनलाइन CSS कहलाती है। उसी लाइन में आपने CSS लिख दी, वो इनलाइन CSS कहलाती है। तो इस तरीके से आप इसको CSS दे सकते हो, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं इसका, लेट्स से पिंक दे देते हैं हम, ओके, देखिए पिंक बैकग्राउंड कलर आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इस पर CSS अप्लाई कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर हम इसको सेव, इससे यहाँ से हटाता हूँ मैं, और यहाँ पर हम अप्लाई करते थे, ठीक है, तो जो CSS हमने यहाँ पर अप्लाई करी थी है ना, वो यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। तो बैकग्राउंड कलर तो पिंक है, इसकी हम विड्थ दे देंगे, 300 पिक्सल। और आपको ये बात ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर देना है। एक्सटर्नल CSS में हम डबल कोट्स नहीं लिखते थे, आपको यहाँ पर डबल कोट्स लिखना है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों ने आई थिंक ध्यान दिया होगा कि जो हमारे पास हम एक्सटर्नल CSS में जैसे हम लिख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, तो आप लोग देख सकते हो ये बैकग्राउंड एक वर्ड है और कलर एक वर्ड है, जिसके बीच में हमारे पास हाइफन का साइन है, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनलाइन CSS के अंदर दो वर्ड है, बैकग्राउंड एक और कलर एक, तो जो सेकेंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो कि हमारा JSX एट्रीब्यूट होता है, जो JSX एट्रीब्यूट है उसका जो रूल है, तो वो रूल इस CSS में भी अप्लाई हो रहा है। मतलब आपको अगर इनलाइन CSS लिखनी है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देना होगा, कैमल केस में आपको देना होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम हाइट भी दे देते हैं, हाइट दे देते 300 पिक्सल, इसे भी हमें डबल कोट्स में देना है, और मार्जिन दे देते ऑटो, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे, और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास CSS अप्लाई हो चुकी है, जो हमने एक्सटर्नल की मदद से करा था। बट ये डिफरेंस है कि आपको स्टाइल इनलाइन CSS में स्टाइल लिखना है, डबल कर्ली ब्रेसेस लिखना है, और की वैल्यू पेयर की तरह देना है, और जो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू होंगी ये डबल कोट्स के अंदर होंगी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो आपका जो CSS है, अगर वो CSS का नेम बड़ा है, जैसे यहाँ पर दो या तीन वर्ड से मिलकर बना है, तो जो सेकंड वर्ड का
फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल आई में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। देन हम समझेंगे कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है। इंटरनल सीएसएस वो होती है, अगर आपने जैसे ये हमारे पास अबाउट डॉट जेएस के कॉम्पोनेंट है, अबाउट डॉट जेएस ये फाइल है, इसी फाइल के अंदर हम सीएसएस दें, हम इसे सीएसएस देना चाहते हैं, ठीक है, और इसी इस एचटीएमएल को, इस जेएसएक्स को हम सीएसएस देना चाहते हैं और इसी फाइल के अंदर दें हम सीएसएस, तो ये कहलाती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब जिस फाइल में मुझे सीएसएस देना है मैं वहीं पर सीएसएस लिख रहा हूँ, तो मुझे इस फाइल को सीएसएस देना है तो मैं यहीं लिख रहा हूँ, तो ये कहलाता है हमारा इंटरनल सीएसएस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इंटरनल सीएसएस कैसे देते हैं, तो सिंपली जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे आपको लिखना है। जैसे मैंने कॉन्स्ट नेम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ लेट्स से बॉक्स सीएसएस, आप कुछ भी दे सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बॉक्स सीएसएस दे दे रहा हूँ, बॉक्स सीएसएस, ठीक है, और हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या होता है हमारा इनलाइन सीएसएस, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, अब ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे हमने पहले सीएसएस दी थी, देखिए अब सीएसएस हट चुकी है, सेव रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए सीएसएस हट चुकी है। अभी हमें फिर से उसे सीएसएस देना है, तो इसके अंदर हम फिर से लिख देते हैं विड्थ, ये हम दे रहे हैं बेसिकली इंटरनल सीएसएस, तो आपको लिखना है विड्थ, यहाँ पर देखिए की वैल्यू पेयर की तरह होंगी, विड्थ दे देना है आपको 300 पिक्सल, कॉमा देना है, हाइट देना है 300 पिक्सल, और देखिए बैकग्राउंड कलर दे देंगे बैकग्राउंड, और जैसे मैंने आपको बताया था अगर बड़ा वर्ड है तो उसका जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आएगा, कलर इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम ब्लैक, ठीक है, और कलर हो जाएगा वाइट, मार्जिन दे देंगे ऑटो, मार्जिन ऑटो दे देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अभी देखिए इतनी सीएसएस दे दी है, ये हमारा कहलाता है इंटरनल सीएसएस, मतलब इसी फाइल के अंदर हम सीएसएस दे रहे हैं, ये इंटरनल सीएसएस। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए सिंपल यूज़ करने के लिए आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा जैसे हमने लिखा था पहले स्टाइल, और एक कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इनलाइन देना है तो एक और लिखना पड़ेगा, लेकिन हम इनलाइन नहीं दे रहे एंड इंटरनल दे रहे, तो आपको सिंपली एक कर्ली ब्रेसेस लिखना है। देन आपने जो ऑब्जेक्ट का नेम है आपके बॉक्स सीएसएस, इसको कॉपी करना है और इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सीएसएस अप्लाई हो चुकी है। तो ये होती है हमारी इंटरनल सीएसएस। तो इस तरीके से आप इंटरनल सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, और इंटरनल सीएसएस में और इनलाइन सीएसएस में यही डिफरेंस है कि आपको इनलाइन में इसी के अंदर लिखना है और इंटरनल में आपको इस फाइल के अंदर लिखना है, बाकी दोनों सेम ही है, आप लोग देख सकते हो। इसके अंदर भी हमने की वैल्यू की तरह लिखा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ऑब्जेक्ट बना दिया, सेम ही है लगभग, बट ये इनलाइन इसी टैग के अंदर होती है। तो ये था यार आज का इस वीडियो में हमारे पास, जिसमें हमने देखा कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है, एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, इंटरनल सीएसएस क्या होती है, और रिएक्ट के अंदर किस तरीके से इनको यूज़ करना है। तो अगर हम एक्सटर्नल को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ गाइज़ शो योर सपोर्ट टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।